अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल फाइन। मुझे उम्मीद है कि आप सब जो है हंसते मुस्कुराते होंगे। अब से पहले हमने यूनिट्स 9 क्लास की इंग्लिश का यूनिट 6 स्टार्ट किया था, जिसके हम जो है फर्स्ट पैराग्राफ की ट्रांसलेशन कंप्लीट कर चुके थे। आज हम जो है सेकंड पैराग्राफ की ट्रांसलेशन स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 63, पैराग्राफ नंबर 2। पेज नंबर 63, पैराग्राफ नंबर 2। The entire journey, तमाम सफर और the great leader struggle, अजीम कायद की जिद्दोजहद के लिए, अजीम कायद की जिद्दोजहद के तमाम सफर, for a separate homeland, अलैदा वतन के लिए, for a separate homeland, अलैदा वतन के लिए, for the Muslims, मुसलमानों के लिए, और the subcontinent, बरसगेर के मुसलमानों के लिए, was based on बुनियाद, was based on बुनियादी pivot, मध्यजी नुक्ते पर, और the Muslim unity, मुस्लिम इत्तेहाद, and oneness as a nation, और बतौर एक कौम होने की, बतौर एक कौम होने की, अजीम कायद की, अजीम कायद की, बलसिंह के मुसलमानों के लिए, अलहदा वतन के लिए, अलहदा वतन के जिद्दोजहद के लिए, अलहदा वतन की जिद्दोजहद के लिए, अजीम कायद की, बलसिंह के मुसलमानों के लिए, अलहदा वतन की जिद्दोजहद के लिए, अलहदा वतन की जिद्दोजहद के लिए, तमाम सफर की बुनियाद मुस्लिम इत्तेहाद और बतौर एक कौम होने के मरकजी नुकता पर थी। The entire journey, तमाम सफर of the great leaders struggle, अजीम कायद की जिद्दोजहद के, for a separate homeland, अलहदा वतन के लिए, for the Muslims, मुसलमानों के, of the subcontinent, बरसगीर के, was based on बुनियादी, on the pivot, मरकजी नुक्ते पर, of the Muslim unity, मुस्लिम इत्तेहाद, and oneness, for एक होने पर, as a nation, बतौर कौम, और बतौर कौम एक होने के, बतौर कौम एक होने के, अजीम कायद की, अजीम कायद की, बरसगीर के मुसलमानों के लिए, अजीम कायद की, बरसगीर के मुसलमानों के लिए, अलहदा वतन के लिए, जिद्दोजहद के तमाम सफर की बुनियाद, अजीम कायद की, बरसगीर के मुसलमानों के लिए, अलहदा वतन की जिद्दोजहद के लिए, अलहदा वतन की जिद्दोजहद के लिए, तमाम सफर की बुनियाद, अजीम कायद की, बरसगीर के मुसलमानों के लिए, अलहदा वतन के लिए, जिद्दोजहद के तमाम सफर की बुनियाद, मुस्लिम इत्तेहाद, मुस्लिम इत्तेहाद, और बतौर एक कौम होने के मरकजी नुक्ता पर थी, और बतौर एक कौम होने के मरकजी नुक्ता पर थी, अजीम कायद की, बरसगीर के मुसलमानों के लिए, अजीम कायद की, बरसगीर के मुसलमानों के लिए, अलहदा वतन की जिद्दोजहद के लिए तमाम सफर की बुनियाद, अलहदा वतन के लिए जिद्दोजहद के तमाम सफर की बुनियाद, मुस्लिम इत्तेहाद, और बतौर एक कौम होने के मरकजी नुक्ता पर थी। The entire journey, तमाम सफर of the great leader struggle, अजीम कायद की जिद्दोजहद के, of our separate homeland, अलहदा वतन के लिए, for the Muslims, मुसलमानों के, of the subcontinent, बरसगीर के, was based on बुनियाद थी, on the pivot, मरकजी नुक्ते पर, of the Muslim unity, मुस्लिम इत्तेहाद, and oneness as a nation, और बतौर एक कौम होने, अजीम कायद की, बरसगीर के मुसलमानों के लिए, अजीम कायद की, बरसगीर के मुसलमानों के लिए, अलहदा वतन की अलहदा वतन के लिए जिद्दोजहद के तमाम सफर की बुनियाद, अलहदा वतन के लिए जिद्दोजहद के तमाम सफर की बुनियाद, अजीम कायद की, बरसगीर के मुसलमानों के लिए, अलहदा वतन के लिए जिद्दोजहद के तमाम सफर की बुनियाद, मुस्लिम इत्तेहाद, और बतौर एक कौम होने के मरकजी नुक्ता पर थी। He talked about Pakistan. He talked about Pakistan. Pakistan के बारे में. He talked about Pakistan. आप पाकिस्तान के बारे में बातें करते थे. In such clear terms, ऐसे वाज़े अल्फ़ाज़ में. He talked. आप बातें करते थे about Pakistan. पाकिस्तान के बारे में. In such clear terms, ऐसे वाज़े अल्फ़ाज़ में. That even कि यहाँ तक के a common man एक आम आदमी. That even a common man यहाँ तक एक आम आदमी could understand him. उसे समझ सकता था. उन्हें समझ सकता था। He talked about Pakistan. आप पाकिस्तान के बारे में बातें करते थे। He talked. आप बातें करते थे about Pakistan. पाकिस्तान के बारे में in such clear terms, ऐसे वाज़े अल्फाज में that even a common man, कि यहाँ तक एक आम आदमी, that के even यहाँ तक a common man में एक आम आदमी कुछ सकता था, understand उन्हें समझ सकता। आप पाकिस्तान के बारे में ऐसे वाज़ा अल्फाज में बातें करते थे कि एक आम आदमी भी उन्हें समझ सकता था। आप पाकिस्तान के बारे में ऐसे वाज़े अल्फाज में बातें करते थे कि एक आम आदमी भी उन्हें समझ सकता था। आप पाकिस्तान के बारे में ऐसे वाज़े अल्फाज में बातें करते थे कि एक आम आदमी भी उन्हें समझ सकता था। आप पाकिस्तान के बारे में ऐसे वाज़े अल्फाज में बातें करते थे कि एक आम आदमी भी उन्हें समझ सकता था। We are a nation. He affirmed अपने बड़े वसूल से ऐलान किया 3 years before, 3 साल पहले,
आपने 3 साल पहले बड़े वसूख से ऐलान किया वी आर अ नेशन, आई मीन कौन है, बिफोर द बर्थ ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के वजूद बनने से पहले, पाकिस्तान के पैदा होने से पहले, पाकिस्तान के बनने से पहले, आपने पाकिस्तान के वजूद में आने से पहले, आपने पाकिस्तान के वजूद बनने से 3 साल पहले बड़े वसूख से ऐलान किया वी आर अ नेशन, हमें कौन है, वी आर अ नेशन, हमें कौन है, he affirmed 3 years before the birth of Pakistan, he affirmed, आपने बड़े वसूख से ऐलान किया 3 years before, 3 साल पहले, before the birth of Pakistan, पाकिस्तान के वजूद में आने से, आपने पाकिस्तान के वजूद में आने से 3 साल पहले बड़े वसूख से ऐलान किया we are a nation, he, we are a nation, हम एक कौम है, we are a nation, हम एक कौम है, he affirmed, आपने बड़े वसूख से ऐलान किया 3 years before, 3 साल पहले, birth, पैदाइश, वजूद में आने के, और पाकिस्तान, पाकिस्तान के, आपने पाकिस्तान के वजूद में आने से 3 साल पहले बड़े वसूख से ऐलान किया हम एक कौम, आपने पाकिस्तान के वजूद में आने से 3 साल पहले बड़े वसूख से ऐलान किया हम एक कौम, आपने पाकिस्तान के वजूद में आने से 3 साल पहले बड़े वसूख से ऐलान किया हम एक कौम, विद आवर ऑन डिस्टिंक्टिव कल्चर, विद आवर ऑन डिस्टिंक्टिव कल्चर, विद आवर ऑन, हमारा अपना डिस्टिंक्टिव मखसूस कल्चर सकाफत, विद आवर ऑन डिस्टिंक्टिव कल्चर, हमारा अपना मखसूस सकाफत, हमारी अपनी मखसूस सकाफत, एंड सिविलाइजेशन और तहजीब, विद आवर ऑन, हमारी अपनी डिस्टिंक्टिव मखसूस कल्चर सकाफत, एंड सिविलाइजेशन और तहजीब, लैंग्वेज जुबान एंड लिटरेचर और अदब, लैंग्वेज जुबान एंड लिटरेचर और अदब, आर्ट फन एंड आर्किटेक्चर और फन तामीर, आर्ट फन एंड आर्किटेक्चर और फन तामीर, नेम्स नाम एंड नॉमिनिक्लेचर और नाम रखने के उसूल, नेम्स नाम एंड नॉमिनिक्लेचर और नाम रखने के उसूल, नॉमिनिक्लेचर और नाम रखने के उसूल, और नॉमिनिक्लेचर और नाम रखने के उसूल, सेंस ऑफ वैल्यूज एंड प्रोपोर्शन, सेंस ऑफ वैल्यूज एंड प्रोपोर्शन, इकदार और विरासत में हिस्सों की समझ, सेंस ऑफ वैल्यूज एंड प्रोपोर्शन, इकदार और विरासत में हिस्सों की समझ, सेंस ऑफ वैल्यूज एंड प्रोपोर्शन, इकदार और विरासत में हिस्सों की समझ, लीगल लॉज कानूनी कवानीन एंड मोरल कोड्स और इखलाकी ज़ाब्ते, कानूनी कवानीन और इखलाकी ज़ाब्ते, लीगल लॉज कवानीन एंड मोरल कोड्स इखलाकी ज़ाब्ते, कस्टम्स रवाज एंड कैलेंडर और कैलेंडर, हिस्ट्री तारीख एंड ट्रेडिशंस और रिवायात, हिस्ट्री तारीख एंड ट्रेडिशन और रिवायत, एप्टीट्यूड रुझान, एप्टीट्यूड रुझान एंड एम्बिशंस और ख्वाहिशात हैं, एंड एम्बिशंस और ख्वाहिशात हैं, वी आर अ नेशन, हम एक कौम है, ही अफर्म्ड 3 years बिफोर द बर्थ ऑफ पाकिस्तान, आपने पाकिस्तान के वजूद में आने से 3 साल पहले बड़े वसूख से ऐलान किया, विद आवर ऑन डिस्टिंक्टिव कल्चर, हमारी अपनी मखसूस सकाफत एंड सिविलाइजेशन और तहजीब, हमारी अपनी मखसूस सकाफत और तहजीब, जबान और अदब, लैंग्वेज एंड आर्किटेक्चर, जबान एंड आर्किटेक्चर, अदब, आर्ट फन एंड आर्किटेक्चर और फन तामीर, फन और फन तामीर, नेम्स नाम एंड नॉमिनिक्लेचर और नाम रखने के उसूल, नाम और नाम रखने के उसूल, सेंस ऑफ वैल्यूज एंड प्रोपोर्शन, इकदार और विरासत में हिस्सों की समझ, इकदार और विरासत में हिस्सों की समझ, लीगल लॉज कानूनी कवानी, लीगल लॉज कानूनी कवानी एंड मोरल कोड्स और इखलाकी ज़ाब्ते, कानूनी कवानी और इखलाकी ज़ाब्ते, कस्टम्स रवाज एंड कैलेंडर और कैलेंडर, कस्टम्स रवाज एंड कैलेंडर और कैलेंडर, हिस्ट्री तारीख एंड ट्रेडिशंस और रुझान, रिवायत, हिस्ट्री तारीख एंड ट्रेडिशंस और रिवायत, हिस्ट्री तारीख एंड ट्रेडिशंस और रिवायत, एप्टीट्यूड रुझान, एप्टीट्यूड रुझान एंड एम्बिशंस और ख्वाहिशात हैं, एंड एम्बिशंस और ख्वाहिशात हैं, हमारी अपनी मखसूस सकाफत और तहजीब, तहजीब, हमारी अपनी मखसूस सकाफत और तहजीब, जबान और अदब, फन और फन तामीर, नाम और नाम रखने के उसूल, इकदार और विरासत में हिस्सों की समझ, कानूनी कवानी और इखलाकी ज़ाब्ते, रवाज और कैलेंडर, तारीख और रिवायात, रुझान और ख्वाहिशात हैं, और रुझान और ख्वाहिशात हैं, इन शॉर्ट मुख्तसरन वी हैव और ऑन आवर डिस्टिंक्टिव आउटलुक ऑफ लाइफ, इन शॉर्ट मुख्तसरन वी हैव हम रखते हैं ओवरऑल अपना जाती डिस्टिंक्टिव मखसूस आउटलुक नुक्ता नजर ऑफ लाइफ जिंदगी, मुख्तसरन हम जिंदगी के बारे में अपना मखसूस नुक्ता नजर रखते हैं, मुख्तसरन इन शॉर्ट वी हैव और ऑन डिस्टिंक्टिव आउटलुक ऑफ लाइफ,
मुख्तसरन हमारा जिंदगी के बारे में अपना मखसूस नुक्ताए नजर है। मुख्तसरन हमारा जिंदगी के बारे में अपना मखसूस नुक्ताए नजर है। मुख्तसरन हमारा जिंदगी के बारे में अपना मखसूस नुक्ताए नजर है। We are a nation, हमें कौम है। We are a nation, हमें कौम है। He affirmed 3 years before the birth of Pakistan, आपने पाकिस्तान के वजूद में आने से 3 साल पहले, आपने पाकिस्तान के वजूद में आने से 3 साल पहले बड़े वसूर से ऐलान किया हमें एक कौम है। आपने पाकिस्तान के वजूद में आने से 3 साल पहले बड़े वसूर से ऐलान किया हमें एक कौम है। With our distinctive culture and civilization, language and literature, art and architecture, names and nomenclature, sense of values and proportion, legal laws and moral codes, customs and calendar, history and tradition, aptitude and ambitions. In short, we have our own distinctive outlook of life. With our own distinctive culture, हमारी अपनी मखसूस सकाफत and civilization और तहजीब है। हमारी अपनी मखसूस सकाफत और तहजीब है। लैंग्वेज एंड लिटरेचर जुबान और अदब है। आर्ट फन एंड आर्किटेक्चर फन और फन एंड तामीर है। नेम्स एंड नॉमिनिक्लेचर नाम और नाम रखने के उसूल हैं। सेंस ऑफ वैल्यूज एंड प्रोपोर्शन इब्तदाल और विरासत में हिस्सों की समझ। लीगल लॉ एंड मोरल कोड कानूनी कवानीन और अखलाकी ज़ाब्ते हैं। कस्टम्स रवाल एंड कैलेंडर और कैलेंडर है। हिस्ट्री तारीख एंड ट्रेडिशन और रिवायात हैं। एप्टीट्यूड रुझान एंड एम्बिशंस और ख्वाहिशात हैं। In short, we have our own distinctive outlook of life. मुख्तसरन हमारा जिंदगी के बारे में अपना मखसूस नुक्ताए नजर है। आपने पाकिस्तान के वजूद में आने से 3 साल पहले बड़े वसूख से ऐलान किया हमें कौम है। हमारी अपनी मखसूस सकाफत और तहजीब जबान और अदब फन और फन तामीर नाम और नाम रखने के उसूल इकदार और विरासत में हिस्सों की समझ कानूनी कवानी और इखलाकी जबते रवाज और कैलेंडर तारीख और रिवायात रुझान और ख्वाहिशात हैं। मुख्तसरन हमारा जिंदगी के बारे में अपना मखसूस नुक्ताए नजर है। मुख्तसरन हमारा जिंदगी के बारे में अपना मखसूस नुक्ताए नजर है। हमारी अपनी मखसूस सकाफत और तहजीब जबान और अदब फन और फन तामीर नाम और नाम रखने के उसूल सेंस ऑफ वैल्यूज एंड प्रोपोर्शन इकदार और विरासत में हिस्सों की समझ कानूनी कवानी और इखलाकी ज़ाब्ते रवाज और कैलेंडर तारीख और रिवायात रुझान और ख्वाहिशात हैं। हमारी अपनी मखसूस सकाफत और तहजीब जबान और अदब फन और फन तामीर नाम और नाम रखने के उसूल इकदार और विरासत में हिस्सों की समझ कानूनी कवानी और इखलाकी ज़ाब्ते रवाज और कैलेंडर तारीख और रिवायात रुझान और ख्वाहिशात हैं। मुख्तसरन हमारा जिंदगी के बारे में अपना मखसूस नुक्ताए नजर है। मुख्तसरन हमारा जिंदगी के बारे में अपना मखसूस नुक्ताए नजर है। आई होप आपको समझ आई होगी। थैंक यू।